यार लक्ष्य का बोरिंग मामला हो गया, मतलब आपने सिर्फ ये कुटाई के लिए ये सीरीज खेलनी थी। आखिरी ओवर एक भी बाउंड्री नहीं आई, क्या चल रहा है? आप देखो ना, यूजी ने पहला ओवर करा सीरीज का, पहले ओवर में 3 बॉलों में 2 विकेट ले गया, उसके बाद नॉट आउट था उनको, उसके बाद निकोलस पूरन ने काफी अच्छा मारा और निकोलस पूरन को भी आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या कप्तान बढ़िया बॉल करी, पेस से थोड़ा सा और ज्यादा बीट करके आउट कर दिया, कैच हो गए। और रॉबिन पॉवल की कैच छूटी, उसके बाद वो भी बढ़िया खेल गए, बट ओवरऑल मजा नहीं है। शुक्रिया महाले जी, जैसी परफॉर्मेंस मजा नहीं है, मजा आना चाहिए था कुछ यार। 170-180 तो बनते कम से कम मारने वाले, हमें भी थोड़ा उम्मीद थी कि हम भी थोड़ा उनको नहीं, पांडे जी की प्रेडिक्शन थी कि 170 बनाएंगे ये लोग। आपको बैठे बैठे बता दिया था, उसने तो अच्छा मारा आपके पूरन ने, चलिए लास्ट बॉल भी खत्म हो गई और ये भी ज्यादा रन नहीं ले पाए, एक ही रन दिया फ्री हिट पे भी, एक ही रन दिया। तो भाई लास्ट ओवर में भी एक बॉल पड़ी अभी, चार फ्री हिट हो गई थी ना, अच्छा एक बॉल पड़ी, अभी 6-7 रन, 148/6 है, 150 के आसपास खत्म करेंगे ये लोग। और ओवरऑल ये बोलूंगा कि यार मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हार्दिक के भी एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है, हार्दिक कह रहे हैं मेरे को यहां पे बालियां पहना के रात कराने के लिए बुला रहे हैं आप लोगों, कुछ तो चैलेंज दो, कुछ तो हमें टक्कर दो, कुछ तो हमें कुश्ती उश्ती जैसे मैंने बोला देखने को मिले। और जब जब हमने लेकिन ऐसे बढ़ाइयां की है, मूंगी भी खाई है हमने, यार 148 पे क्या मूंगी नहीं है, वैसे होगा नहीं, वैसे तो पता ही है, लेकिन अगर क्रिकेट इज अ फनी गेम, लेकिन अगर इतनी भी फनी नहीं है यार 148, यहां इंडिया फनी बना दे, पर बनाएंगे नहीं यार, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में, बहुत बढ़िया बॉल यार, गलत कर दिया भाई, सारी बॉल योर सारी बॉल एग्जैक्टली इंडिया को 150 रन चाहिए जीतने के लिए, मजाक है ना ये है, मैंने पहले ही बोला था कि मजा नहीं आया, बिकॉज आप ओवरऑल कुछ तो टारगेट ऐसा देते कि हमारे शुभमन गिल है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव ग्रेट है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, ये सारे के सारे थोड़ा चैलेंज में होते, लड़ाई तो वेस्ट इंडीज समझ सकते थे, टेस्ट मैच आपके बस की नहीं, फिर भी आपने ड्रॉ कर लिया किसी तरीके से, चलो मान लिया बारिश बुरिश हो गई, वनडे आपके बस की नहीं, आपको वनडे जीत भी गए, जीत गए ना, बड़ी अचीवमेंट आपके लिए। T20 में तो यार आपसे पूरी उम्मीद थी कि आप फाइट दोगे, 150 पे 150 का टारगेट, अब डोंट टेल मी कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें भी आप चैलेंज करोगे। बाय द वे मुकेश कुमार आज खेले, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या ये बंदा पागल हो गया है, T20 का मैच चल रहा है और ये कह रहा है कि 150 रन कुछ है ही नहीं, मजा नहीं आ रहा है, वेस्ट इंडीज ने कोई टक्कर नहीं दी, वेस्ट इंडीज ने कोई फाइट नहीं दी, ये बंदा तो मुझे बिल्कुल पागल लग रहा है, क्योंकि दोस्तों 20 ओवर का मैच है और 150 रन तो आपको पता है कि 50-50 रन होता है, 50% आप जीत सकते हैं, 50% आप हार सकते हैं, लेकिन ये जो बंदा भारतीय मीडिया का एंकर है ये कह रहा है कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा, क्यों सामने वाली टीम टक्कर ही नहीं दे रही, हार्दिक पांड्या की टीम आएगी वो तो 10 ओवर में ये टारगेट पूरा कर लेगी, ये बंदा ये भूल गया था 152 इन्होंने बनाए थे, पाकिस्तान ने एक विकेट गवाए बगैर इन्हें हरा दिया था, 10 विकेट से हराया था, और दोस्तों अब क्या हो गया है, अब तो ये हार गए हैं, और इस मैच के बाद मैं आपको इनका आफ्टर रिव्यू भी दिखाने वाला हूँ, दोस्तों इनकी हालत इतनी बुरी हो गई है, ये पीट रहे हैं और अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, उन पर लान तान का सिलसिला तो हमेशा से जारी रहता है, वो आगे भी चल रहा है, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप आखिर किस मिट्टी के बने हैं, क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि आपको बाद में फिर शर्मिंदगी होती है और आप फिर मुंह छुपाते करते हैं, ये आउट हो गया आउट हो गया, दोस्तों लास्ट ओवर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं आकर, लेकिन आप ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं, जिससे हमारा चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर के पास भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही, जिसकी वजह से व्यूज ना आने के बराबर है, तो दोस्तों आप हमारी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में शेयर लाजमी करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए और वो हमारे चैनल को देखना शुरू कर दें, दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप कम से कम हमारे लिए इतना काम करें, दोस्तों आपको आफ्टर इफेक्ट दिखाने वाला हूं, आफ्टर इफेक्ट देखकर भी आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। हर्षदीप सिंह स्ट्राइक पे, यूजी से कोई उम्मीदें ना रखे तो बेहतर है, उसके बाद मुकेश कुमार भी हैं, उनसे भी मेरे को नहीं लगता तभी उनको वापस भी बुला लिया गया, नहीं बुलाया, देखते हैं रोजानी भाई, दो पर 7 रन जी, वेस्ट इंडीज फैंस देख रहे हैं, नहीं कोई नहीं दिख रहा है, मैच आपका गया, दो बॉल सुपर ओवर के लिए छक्का चाहिए
वैसे भी यार अगर आप इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि हरदीप सिंह आपके लास्ट में दो छक्के मार देगा, दो छक्के मार देगा, हालांकि मारे भी उन्होंने, तो मतलब वो बहुत ज्यादा ही, अब आप अच्छी बन गए ना, अक्षर भी आउट हो गए, आखिरी उम्मीद थी अक्षर ने जो छक्का मारा। नहीं आप देखो ना, इसी विकेट पर तिलक वर्मा ने भी बैटिंग की है, पहले मैच में हुए दो चेज नहीं किए गए आप वर्ल्ड कप तो एक साल बाद आपके उसमें प्रिंस नंबर वन टी ट्वेंटी बैटर अपकमिंग कैप्टन सारे लोग उसमें मौजूद और यंगस्टर्स भी मौजूद और बैटिंग ये हालत हो गई हमारी, 11वें नंबर का 10 इनिंग्स 11 रन जितना इसका बेस्ट है उतना ही मारा है बस 6 रन नॉट आउट, बिल्कुल सेम मैच करना है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी छक्का मारा है? वैसे मैं पूछ रहा हूं जो आ रहा है, जब 10 इनिंग में 11 रन है हां हो सकता है लग जाए और आ जाए आज भगवान की दुआ। मीडियम मीडियम पिछले जन्म तो बैक पिछले2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, 2023 के अंदर उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, उस टीम ने आपको 150 रन भी नहीं बनाने दिए। आपके पास T20 का नंबर एक बैटर, आपके पास हार्दिक पांड्या, आपके पास आईपीएल में दो लगातार शतक लगाने वाला शुभमन गिल, आपके पास संजू सैमसन, आपके पास आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर एक सीजन का ईशान किशन, और ये आईपीएल का टैलेंट कुल मिला के 150 नहीं बना पाया, आप 145 पर सीमित रह जाते हैं। तो ये कहां पर जस्टिफाई करता है कि आप कहां पर खड़े, कहां पर समझ ही नहीं आ रहा कहां पर खड़े हैं। किसी का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं गया, अर्शदीप का 100 से ऊपर, तिलक वर्मा का 100 से ऊपर नहीं। आप ये देखें ईशान किशन 9 गेंदे 6 रन, 450 इन्होंने लगातार बनाई T20 में आकर फुस। उसके बाद आप आ जाओ शुभमन गिल हमारे प्रिंस, पिछली 8 इनिंग्स हो गई है, 1 इनिंग्स में रन आए, लेकिन ये यंगस्टर्स हैं आपके कप्तान, देखो जिस तरह से आउट हुए संजू सैमसन, वहां पे वो सिंगल नहीं भी लिया जा सकता था, बिल्कुल वहां जरूरत दे दी उस रन की, जैसे संजू सैमसन आउट हो गए, हार्दिक पांड्या जैसे बोल्ड हुए। अल्टीमेटली बात ये है, एक पैसे का भरोसा इन सब पे किसी भी नहीं हो रहा, चाहे यंगस्टर्स हो चाहे हम, बोले जा रहे थे कि भाई नए लड़के आएंगे जिताएंगे, ईशान किशन अब नए तो कहीं से भी नहीं है, अब तो शुभमन गिल भी नए नहीं है। शुभमन गिल 9 बॉलों में 3 रन, हर्षदीप सिंह मेरे ख्याल 5-6 बॉलों में 11 बना रन है ना, 7 बॉलों में 12 रन हर्षदीप बना रहे हैं और शुभमन गिल बना रहे हैं 9 बॉलों में 3 रन ओपन करके। अबे भाई हम केएल राहुल को चाह रहे हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, बट क्या आपने ठेका ले रखा है कि उसको मिस नहीं होने दोगे आप, कि उसकी कमी पूरी करोगे आप? वो भाई पहला पूरा ओवर बैटिंग खेलते थे, आप भी 9 बॉलों में 3 रन, T20 चल रहा है कि मजाक चल रहा है? 150 रन, पहले तो तुमने 150 पढ़वाए कैसे? यूजी चहल के हाथ में जो कैच आई पावेल की, क्यों छोड़ी फिर भाई आपने जब आपके बस की नहीं रन बनाना, और तब भी आपको चलो स्टडी हो गए थे आप। तिलक वर्मा ने, एक लड़का है जो डेब्यू पे, उसने दिखाया बैटिंग कैसे होती है, तिलक वर्मा ने 22 बॉलों में 39 रन, 3 छक्के 2 चौके, इनएक्सपीरियंस से आउट हो गया। चलो इसको चाहिए था कि पूरा मैच खत्म करके जाता, इसको किसी में छोड़ना नहीं चाहिए था। आपके सूर्य कुमार यादव, मैं फिर वही बोलूंगा, सूर्य कुमार यादव जब वनडे खेल रहे खेला नहीं जा रहा, जब T20 खेल रहे क्या वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या भाई, कि मैं एशिया कप के लिए प्रिपेयर कर लूं? नंबर वन T20 बैटर इन द वर्ल्ड 21 बॉलों पे 21 रन स्काई कब बनाता है यार T20 में, ये बता दो। जिस पिच पे 22 बॉल्स पे 39 बच्चा तुम्हारी टीम का, मुंबई इंडियंस का, डेब्यू पे तिलक वर्मा आके मार रहा है, लोग बोल रहे पिच ऐसी तो पिच वैसी, तो भाई जब वो मार रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसमें पॉइंट देखो, 1 छक्का 2 चौके मारे हुए 21 रन में, 18 गेंदे 7 रन रह गए पीछे, 3 गेंदों में 14 आए 18 बॉलों में 7 रन आप बना रहे हो, इतनी डॉट बॉल आप खेल रहे हो, 100 की स्ट्राइक रेट से आप T20 खेल रहे हो, आप नंबर वन T20 बैटर इन द वर्ल्ड हो। हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई नए बच्चे, एक नया लड़का, असली में तो नया एक ही था या दो मान लो, मुकेश कुमार डेब्यू, बॉलिंग अच्छी कर दी, और तिलक वर्मा डेब्यू, बहुत बढ़िया बैटिंग कर दी,
तुम तिलक वर्मा के 39 निकाल दो। क्या बैटिंग करी भाई तुमने, क्या बैटिंग करी तुमने? 104 मुश्किल पड़ गई। शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन कौन सा रन लेने भाग रहा था भाई, कौन सा पैनिक मच गया था? और संजू सैमसन एक छक्का मारा उन्होंने, 12 बॉलों में 12 रन पे आउट हुआ, रन आउट हो गया चलो मान लिया, मगर बाकी के 11 बॉलों पे 6 रन बनाए संजू सैमसन। T20 स्पेशलिस्ट कैर, जस्टिस फॉर संजू, ये ही चेहरे देखे जा रहे हैं बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई इनसे अच्छा तो ये है आप खिलाओ जो आज खेला लड़का तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, जितेश, ये सारे खिला लो, रजत पाटीदार इनको डालो स्क्वाड में भी नहीं बेचारा। और जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली के बिना आपको गुजारा है, अभी बता दूं यहीं पे खेलना है, जहां खेल रहे यही खेलोगे T20 वर्ल्ड कप। आप सोच रहे हो इन्हीं लड़कों के साथ खेलोगे, विराट के बिना खेल जाओगे, नहीं खेल पाओगे, सीधा बोल रहा हूं मैं आपको। कोई यहाँ पे विराट को बैट नहीं कर रहा, मुझे पता है कि आपको जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए ना, विराट ही चाहिए। KL तो नहीं बन रहा T20 में, बट विराट तो चाहिए। बट ऊपर से अगर आ जाओ, शुभमन गिल, ईशान किशन किस मुंह से ओपन करेंगे? यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठा रखा है, यशस्वी जायसवाल IPL में फाड़ फूड के अलग कर दिया, मतलब उसकी किस्मत खराब कि संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स में पड़ा हुआ तो बाहर हो गया वो, वरना कोई शुभमन गिल से कम नहीं खेला वो IPL में। यहां पे भी वेस्टइंडीज में आके देख लो उसको डेब्यू पे, आप शुभमन गिल को आफ्टर IPL देख लो, 9 इनिंग में 8 इनिंग में फेलियर है, WTC पहली इनिंग फेलियर, दूसरी इनिंग फेलियर, वेस्टइंडीज टेस्ट मैच पहला फेल, दूसरा